मंत्र की हम बात कर रहे हैं, पहले उस मंत्र को हम समझना चाहते हैं कि वो मंत्र आखिर क्या कहते हैं। कौन से मंत्र की बात आप करना चाहते हैं? ओम एम हिंग क्लीं चामुंडाई विचे पल्लवी, अपने मुख से ही बोल रहे हैं। ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये पल्लवी मंत्र है। मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती जो 700 मंत्रों में है, और षडंग दुर्गा जिसको 6 तरह से, जिसमें त्रि रहस्य हैं, रहस्यत्रय हैं, कवच अर्गला कीलक है, तो ये नवार्ण मंत्र, इसको कहते हैं नवार्ण, नहीं आपकी नई नई ऊर्जा पैदा कर दे ऐसा मंत्र। आपका जो उत्साह गिर गया हो, आपके अंदर नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो गया हो, तो ये मंत्र उस नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म करके सकारात्मक शक्तियों में ले जाता है, और आपके ऊर्जा में, शरीर की ऊर्जा में, मन की ऊर्जा में, बुद्धि की ऊर्जा में, तन की ऊर्जा में नई नई शक्ति पात करता है, नया ऊर्जावान बना देता है। तो इस मंत्र का ओम, ओम में आता है ब्रह्मा विष्णु महेश, जो चंद्रबिंदु है वो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर प्रणव है, जिसको कहते हैं साक्षी भाव। जब व्यक्ति साक्षी भाव में आ जाता है तो उसकी इधर उधर की ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, लेकिन प्रणव ओम जो है बहुत कॉस्मिक एनर्जी का प्रणव है, ये इसको, ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र के बिना कोई मंत्र आगे चलता नहीं है। कहाँ कौन सा बीज मंत्र लगता है, इसलिए दुर्गा सप्तशती में ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये मंत्र महाराणाओं से मार्कंडेय जी ने दुर्गा सप्तशती में लिया है, और दुर्गा सप्तशती में पहले कवच है, अर्गला है, कीलक है, और जब 13 अध्याय पूरे होते हैं, 13 अध्याय में 700 मंत्र हैं, 700 श्लोक हैं, 700 श्लोकों के बाद 3 अध्याय और आते हैं जिसमें रहस्यत्रय है, तो उन तीनों को करने के बाद क्षमा स्त्रोत्र पर कुंजिका है। ये दुर्गा सप्तशती के जितने भी श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, वो जैसे कि एक फूलों की जो माला बनती है, तो ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई, इस मंत्र के धागे में, वो मणि में ये माला बनी हुई है, जो माता जी के गले में उन्होंने पहनी हुई है। तो ये मंत्र बहुत ही सिद्ध मंत्र है, और इस मंत्र का जो शाक्त हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, और जो भक्त हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। नित्य का उच्चारण भी कोई करता है तो भी होता है। इसके लिए पार्वती ने, लक्ष्मी ने और ब्रह्माणी ने, तीनों ने भी साधना की है इस मंत्र के लिए। तो ये मंत्र साधना जब करने के बाद, जब मंत्र सिद्ध हो गया, तो भगवान शिव ने कहा, देवी ये मंत्र इतना सिद्ध है कलयुग में कि इसका प्रयोग कर दिया जाए, इसका उच्चारण कर दिया जाए, अगर एकाग्रता से, समग्रता से, जहाँ एड़ा सुषुम्ना पिंगला एक हो जाए, तो इसके लिए ये मंत्र का इतना प्रभाव क्यों है, ये भगवान शिव ने कहा। तो भगवती वहाँ पर, पार्वती, उमा, हिमालय सुता बोलती है, हे शिव, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसी मंत्र को मैंने 700 श्लोकों में किया है, और 700 से संक्षेप में, जो व्यक्ति के 7 दिन हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शनि, रविवार, तो 7 दिन को, जो सप्ताह का जिसका दिन अच्छा हो, जिसके जीवन में सप्ताह अच्छा जाए, उसके लिए ये मंत्र बोलने के बाद आप दुर्गा सप्तशती ना कर सकते हो, तो सप्त श्लोकी, 7 श्लोक हैं। ओम ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहायो महामाया प्रयक्षति दुर्गे स्मृता हरस भीत मशेष जंतो स्वस्तई स्मृता मत मतीव शुभाम ददासी
दारिद्र दुख भयहारिणिका तु धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थचित्तः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्तो परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भय वस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान तुमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता हि श्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोकसखलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्बैरी विनाशनम। ये जब इस मंत्र को पहले आप एक माला करेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, इसके बाद सात श्लोक भी कर लेंगे या दुर्गा का भी पाठ करेंगे, तो ये आपके जीवन में समग्रता एकाग्रता नई ऊर्जा को प्रवाहित करेगा। तो ओम में तो मैंने आपको बताया ना, ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रणव, जो कुछ साक्षी भाव का प्रतीक है। तो ये बहुत विश्व की आकाश में भी कॉस्मिक एनर्जी का बहुत पावरफुल है ओम प्रणव, जिसको बीज मंत्र कहते हैं। अब ओम एंग, एंग में महासरस्वती आ जाती है। एंग जो बीज मंत्र है, ये इसमें बीज मंत्रों का प्रयोग है, तो एंग जो है महासरस्वती, ह्रींग इसमें ये साक्षात महालक्ष्मी और क्लींग महाकाली। महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली तीनों देवियों का जो कि त्रिकुटा पर्वत पर आपने देखा होगा वैष्णो देवी में तीन पिंडियां हैं, वो महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली हैं। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं। अब चामुंडायै, जो भगवती चामुंडा रूप है, समग्र शक्तियों के 52 पीठों की एकाग्र शक्ति है, जो आपकी 82,000 नाड़ियों की, धमनियों की, इड़ा सुषुम्ना पिंगला तीनों को चलाने की, बात पित्त कफ तीनों को समान चलाने वाली जीवनदायिनी शक्ति है वो चामुंडा। उसके लिए चामुंडा यही यहाँ, हे भगवती हे जगदम्बा, मैं आपके चरणों की आराधना कर रहा हूँ, आप मुझे शक्ति दीजिए, आप मुझे समय दीजिए और मुझे संपत्ति दीजिए। ये प्रार्थना इस मंत्र में निहित है, चामुंडायै बिच्चे। तो माताजी वहाँ से कहती है, तुम एकाग्र होकर के इसको कर रहे हो तो निश्चित है तुम्हारी संकल्प की पूर्ति होगी। इस मंत्र का त्रेता में राम ने अनुष्ठान किया, जो नवरात्र में आज भी सच्चंडी का प्रयोग होता है, नवरात्रों में मंदिरों में पूजा होती है। तो त्रेता में, द्वापर में श्री कृष्ण ने किया और श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को करने के लिए प्रेरित किया, और सतयुग में मार्कंडेय ऋषि उन्होंने इस दुर्गा सप्तशती को लिखा, उन्होंने इस प्रयोग को किया, जिनकी आज भी वो अजर अमर हैं। तो ये मंत्र जीवन में सारे मंत्रों का सर्वोपरि है, ये सुमेरु है। जी स्वामी जी, सवाल ये है कि इस मंत्र का जाप कब कर दे, कब करता है आदमी, किस वक्त ये मंत्र जो है, जैसे अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति अगर किसी परेशानी में है या कोई दुविधा में है या किसी भी सिचुएशन में है, तो ये मंत्र का उच्चारण का ध्यान कब आता है? देखिए मैं बहुत अच्छा, तुम बहुत विदुषी हो, बहुत अच्छा प्रश्न किया। मंत्र का मतलब होता है, जो आज के मार्केटिंग में जो चल रहे हैं ना, जो बहुत लोग ऐसा करो ये करोगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, वो अलग की चीज़ है। लेकिन मंत्र के बारे में संस्कृत के जो शब्दकोश में उसमें लिखा, मन नियते मंत्र आयते, जो आपके अंदर के श्वास से उच्छ्वास से अंदर की एकाग्रता से जो बोला जाता है, समग्रता से जो बोला जाता है, उसको कहते हैं मननीयते मंत्र। तो ये मंत्र
आप कभी भी ले सकते हैं, प्रातःकाल ले सकते हैं, दोपहर को ले सकते हैं, सायंकाल ले सकते हैं। इसमें कोई मार्केटिंग नहीं है कि सुबह स्नान करके बैठ करके ही करिए, आप बिना स्नान करके भी कर सकते हो। पवित्रता से करें तो बहुत अच्छी बात है, पवित्र होकर के करते हैं तो अच्छा है, लेकिन वैसे भी कर सकते हैं। और आज के समय में जो नारियों के ऊपर जो बात आ रही है, नारी शक्ति के ऊपर, तो नारी को अगर अपने को सबल बनाना है, इन दुष्टों से दूर हटना है, क्योंकि यत्र पूज्यन्ते कहते हैं, जहाँ नारी की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवताओं का वास होता है। उस समय अगर नारी कोई कठिनाई में है और इसका मन ही मन, उसे जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, मन ही मन उसने बोल लिया माँ मेरी रक्षा करो, ये दुष्ट मेरे सामने हैं, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे। तो ये भारतवर्ष में जो नारियों के ऊपर इतना बड़ा समस्या आ रही है, नारी असुरक्षित फील कर रही है, नारी बाहर जाने में दिक्कत फील कर रही है, तो नारी में सबलता आ जाएगी, उसकी अवलापन खत्म हो जाएगा, वो नारी करुणा से काली बन जाएगी। इसलिए इस नारी को कभी भी कभी किसी तरह से, पुरुषों से ज़्यादा ये नारी के लिए बहुत उपयोगी है, नारी कभी भी प्रयोग कर सकती है। और पुरुष तो इसका अनुष्ठान करते हैं, मिर्जापुर में जाकर के, विंध्यवासिनी में जाकर के, कामाख्या में जाकर के इस मंत्र का बहुत बड़ा अनुष्ठान है। जब ये अनुष्ठान सिद्ध हो जाता है तो व्यक्ति की वाणी से जो बोला जाता है वो पूरा हो जाता है। नए वर्ष की देखिए, दो वर्ष ये हमारा 2020 जो आ रहा है, नया वर्ष इसको कहते हैं, सन 2020 आप सबके लिए शुभ हो। और भगवती का ये मंत्र जो कर लेगा इस नए वर्ष में, ओम प्रातःकाल या रात को 1 बजे भी, 12-1 बजे भी, 12:30 बजे जब शुरू हो जाएगी तारीख, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै 20 बार, क्योंकि ये 20वां 2020 है ना, तो 20 बार कर लेता है, 51 बार कर लेता है या एक माला कर लेता है तो उसका साल पूरा शुभ जाएगा। और उस शुभ जाने के लिए भगवती कहती है, इसी मंत्र की व्याख्या मार्कंडे करते हैं, किम किम दुखम दनुज दलिनी छीयते ना स्मृताया, काकः कीर्ति कुल कमलिनी ख्याप्यते नास्तुतायाम, काकः सिद्धि सुरवर नुते प्राप्यते नार्चितायाम, कम कम योगम त्वयि न चिनुते चित्तमालाम बतायाम। ये पल्लवी और ये जो कैमरामैन संजय को मैं धन्यवाद करता हूँ कि माताजी के सन्मुख नए वर्ष, हमारा नया वर्ष तो चैत्र में होता है, लेकिन सन 2020 जो चल रहा है उसके लिए आपका चैनल न्यूज़ 24 ये बहुत शुभ संदेश दे रहा है, सभी के लिए शुभकामनाएं दे रहा है। ऐसी इससे बढ़कर के कहते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की शुभकामनाएं, जिसको आप कहेंगे किम किम दुखम दनुज दलिनी छीयते नास्मृतायाम, काकः कीर्ति कुल कमलिनी ख्याप्यते नास्तुतायाम, काकः सिद्धि सुर वरनुते प्राप्यते नार्चितायाम, कम कम योगम त्वयि न चिनुते चित्तमालाम बतायाम। और तीनों ही शक्तियाँ इस 2020 में आपको चाहिए, आपको विद्या भी चाहिए, आपको शक्ति भी चाहिए और आपको संपत्ति भी चाहिए। तो भगवती कहती है ये 2020 बहुत अच्छा आ रहा है, विद्या प्रदान समये सर्देन्दु सुभ्राम, लक्ष्मी प्रदान समये नव विद्रभाभाम, विद्वेष वर्ग विषये तुतमाल नीलाम, त्वाम निर्गुणाम पर शिवाम शरणम प्रपद्ये। जय माँ।